ध्यान दो बच्चों, किसी भी अगर दो डिजिट वाली संख्या का स्क्वायर करना है जिसके अंत में 5 आता है, जैसे कि मान लो 35, जैसे कि मान लो 25, जैसे कि मान लो 45, जैसे कि मान लो 75, जैसे कि मान लो 65, जैसे कि मान लो 55, जिसके एंड में 5 आ रहा है, जनरल तरीका क्या कहता है? जनरल तरीका कहता है कि 35 लो, इंटू 35 कर दो, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस का साइन दे दो, इससे मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, बहुत सारा झंझट करना पड़ता है, फिर ऐड करो वगैरह वगैरह। इतना कुछ नहीं करना है, आप ध्यान दो। करना क्या है, मान लो आपको 35 का स्क्वायर निकालना है, 5 जब भी आखिरी में आ जाए, क्या आ जाए? 5 जब भी आखिरी में आ जाए, आखिरी में आया 5, तो 5 के लिए ले लो 25। 5 के लिए क्या? 25। सामने कौन सी संख्या है? 3। 3 के सामने डिजिट कौन सा होता है? 4। दोनों का गुणा कर दो, 4 3 12, लिख दो खत्म। मान लो मैं को 25 का स्क्वायर करना है, क्या करना है? 25 का, 25 5 के लिए 25, 2 के सामने वाला डिजिट 3, 3 2 6, खत्म। मान लो मैं कहूं 45 का स्क्वायर करना है, 5 के लिए 25, 4 के आगे वाला डिजिट 5, 4 5 20, खत्म। समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो बड़ी वाली संख्या है 75 का स्क्वायर, 5 के लिए 25, 7 के आगे वाली संख्या 7 8 56, खत्म। समझ रहे हो? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।